ये चार चक्स निकले हैं बिल्कुल छोटे से, और मैंने इनको चम्मच से उठाया। अब मैं इसको रख देता हूँ, ये इस तरह अब देखें काली है थोड़े, देखें माशाल्लाह से आप चिक्स चेक करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद इकबाल, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल ऑल बर्ड्स ब्रीडिंग एंड केयर टिप्स पर। काफ़ी दिन हो गए हैं और मैंने फिंचर्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाई, सोचा कि आपके साथ आज शेयर कर दें। फिंचर्स माशाल्लाह से ब्रीड भी नॉर्मल आ रही है, गर्मियां बहुत ज़्यादा हैं इसलिए आज मैंने सोचा माशाल्लाह से। ये देखें सारी फिंचर्स बैठी हुई है, आप तादाद चेक करें। ये देखें इधर आप देखें फिंचर्स, तकरीबन ये मेरा 70 से 80 पीस हो गया होगा माशाल्लाह से। गिनने में तो नहीं आ रही लेकिन अंदाज़ा एक है कि इतने का हो जाएंगे। ये देखें ब्रीड भी अच्छी चल रही थी कुछ दिन पहले, अब ब्रीड ज़रा नॉर्मल हो चुकी है। चेक्स भी निकले हुए हैं और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बस तो देखते हैं क्या चीज़ है, तो फिर मैं आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी इनकी चेक कराऊँगा माशाल्लाह से। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं चेक्स निकले हुए हैं या नहीं निकले हुए, मैं देखता हूँ आपके साथ शेयर भी करता हूँ। जी दोस्तों ये डब्बा लगा हुआ है, इसके अंदर भी ब्रीड मैं अभी आपको चेक कराता हूँ। देखें ये सही तरीके से नज़र नहीं आ रही, अंधेरा है। ये देखें चेक्स पड़े हुए हैं, अभी मैं इनको निकालता हूँ आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों मैं चेक्स निकाल के देखता हूँ। ये देखें इसका जो होल है वो छोटा है काफ़ी, मैं चम्मच ले लिया, चम्मच से उठाऊँगा बच्चे को। ये देखें ये एक बच्चा आ गया, ये देखें ये माशाल्लाह है, ये चिक्स देखें, ये सफेद चिक्स है। ये देखें दोस्तों ये और भी पड़े हुए हैं, मैं और भी आपको दिखाता हूँ। देखें काफ़ी कमज़ोर चेक्स है, अभी फीड नहीं कराई सुबह का टाइम है। देखें काफ़ी हेल्दी एक्टिव चेक्स है माशाल्लाह से। देखें अभी फीड नहीं कराई गई है। अभी मैं और उठा के दिखाता हूँ आपको, देखता हूँ और चेक्स कितने हैं इसके अंदर। ये देखें एक और भी चेक्स निकला है, एक ब्लैक चेक्स है वो भी अंदर पड़ा हुआ है। ये देखें इसकी चूँच थोड़ी सफ़ेद है, इसकी चूँच आप देखें काली है थोड़ी। ये देखें माशाल्लाह से आप चेक्स चेक करें। कैमरा फोकस कर लीजिए, देखें ये आप चेक माशाल्लाह से काफ़ी छोटे चेक्स हैं। इसको मैं दोबारा रख देता हूँ, दो और चेक्स भी हैं इसके अंदर ब्लैक कलर के। ये दोबारा रख दिए मैंने इसको, अब दूसरे चेक्स चेक करते हैं माशाल्लाह से। जी दोस्तों कलोनी के अंदर मैं आ चुका हूँ, आपको दिखाता हूँ कुछ चेक्स कलोनी के अंदर भी निकले हुए हैं बिल्कुल छोटे चेक्स, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मटके अंदर चेक करते हैं, चलिए आइए। ये नीचे भी बैठे हुए हैं चेक्स, देखिए बिल्कुल, ये देखिए ये उड़ गया चेक्स। ये देखिए ये अभी अभी निकला है चेक माशाल्लाह, मैं छोड़ देता हूँ उड़ जाएगा।
चलिए आपको मटकी के अंदर दिखाते हैं जी दोस्तों। इस मटकी में आप चेक करें, बिल्कुल छोटे से चेक से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें बिल्कुल छोटे से चेक से, ये भी सफ़ेद कलर के हैं जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, वो भी सफ़ेद कलर में थे माशाल्लाह से। और भी ये देखें, इसमें एग्ज लेके हुए हैं, इसमें भी एग्ज हैं। और साथ वाली मटकी में चेक करते हैं जी दोस्तों। ये देखें चेक्स मैंने निकाल लिए हैं बिल्कुल छोटे से, ये देखें ये तकरीबन 2 से 3 दिन के चेक्स हैं। देखिए अभी इनको फीड करवानी है, ये देखें बिल्कुल ही छोटे से चेक्स हैं। ये देखें फीड मांग रहा है, ये देखें चिमट गया है, ये देखें इस तरह ये फीड मांग रहे हैं कि इनको फीड खिलानी है। एक चेक्स ये निकला हुआ है बिल्कुल छोटा सा, ये देखें ये 4 चेक्स निकले हैं बिल्कुल छोटे से, और मैंने इसको चम्मच से उठाया, अब मैं इसको रख देता हूँ। ये इस तरह दोबारा मैं इसको रख देता हूँ अंदर। ये चेक्स काफ़ी छोटे हैं, ये फीड भी अभी नहीं कराई गई, इसलिए मैं दोबारा रख देता हूँ। और इसके अंदर क्या है ये चेक करते हैं। इसके अंदर अभी एग्ज ले हो रहे हैं, ये देखें एग्ज माशाल्लाह से चेक्स निकलने वाला है। दोबारा मैं इसको रख देता हूँ इससे माशाल्लाह से, और मैं आपको चेक्स दिखाता हूँ। इससे कुछ बड़े चेक्स भी थे, वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें दोस्तों फिंचर्स माशाल्लाह से, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये काफ़ी तादाद में, ये इस तरफ आप देखें मुख्तलिफ कलर में, इधर आप देखें पूरे दरख्त ऊपर है माशाल्लाह से। चेक करें आप, ये देखें ये पट्टे भी निकले हुए हैं, ये यहाँ घोंसला भी बना हुआ है, यहाँ घोंसला बना रही है माशाल्लाह से। तादाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है इनकी, मैं कोशिश करूँगा इनको ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सेस वगैरह इस तरह के डब्बे लगाऊँ, क्योंकि इस तरह के डब्बे में भी ये अच्छी ब्रीड कर लेती हैं। ये एक नीचे डब्बे भी लगे हैं, इसमें भी ब्रीड स्टार्ट हुई थी, इसमें भी चेक्स निकले थे, चेक कर सकते हैं। किसी दरख्त के ऊपर बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं, अंडा हों या फिंचर हों, मैंने दरख्त के ऊपर ज़्यादा इनको घोंसले बनाने के लिए डब्बे वगैरह दिए हुए हैं। ये देखें दोस्तों ये बैठे हुए हैं अंदर भी, ये देखें काफ़ी तादाद में, ये ऊपर भी मटकों में भी हैं, ये अंदर भी हैं, ये देखें स्टिक वगैरह पे बैठी हुई माशाल्लाह से। देखें तकरीबन 70 पीस हो चुके होंगे, 70 से 80 पीस, काफ़ी तादाद में मौजूद है। मुख्तलिफ कलर में मुख्तलिफ, सफ़ेद भी हैं, ग्रे भी हैं, और फोन कलर में भी हैं कुछ पीस।
जी दोस्तों, ये थी फिंचेस। माशाल्लाह से आपको मैंने चेक करी है, काफ़ी तादाद इनकी बढ़ चुकी है, गर्मियाँ भी काफ़ी आ चुकी हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इनके पानी मुहैया वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको पानी दो, ताकि इनके अंदर नहा भी सकें। ये देखें, ये बर्तन पड़े हुए हैं, इनके अंदर मैं पानी डाल देता हूँ। ये सारा दिन नहाती रहती हैं इसके अंदर, इसलिए इनको गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं होती। इसके अलावा आपको मैंने अभी कुछ चेक्स भी चेक कराए थे, जो कि इस गर्मी में चेक्स भी निकल रहे हैं और ज़्यादातर अंडे दिए हुए हैं, चेक्स ज़रा कम निकल रहे हैं, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ वो हमेशा नोटिफिकेशन के ज़रिए आपके पास पहुँचे। दोस्तों, दो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।